हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के एंशिएंट सिटी एंड देयर प्रेजेंट नेम। ग्वालियर, ग्वालियर का पुराना नाम था गोपांचल। दतिया, एंशिएंट नेम दिलीप नगर। ये दतिया इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिंध। सांची, पुराना नाम है काकनावाद। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। विदिशा, विदिशा का पुराना नाम है भेलसा या बेसनगर, और यहाँ से बेतवा नदी बहती है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं। मंदसौर, मंदसौर का पुराना नाम है दशपुर, एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिवना। उज्जैन, उज्जैन का एंशिएंट नेम है अवंती या अवंतिका, एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा। मांडू, एंशिएंट नेम शादियाबाद। महेश्वर का एंशिएंट नेम है महिष्मती, और ओमकारेश्वर का एंशिएंट नेम है मंधाता। ये दोनों शहर नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बालाघाट का पुराना नाम है बुढ़ा, एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर बेनगंगा। डिंडोरी, डिंडोरी का एंशिएंट नाम है रामनगर। अमरकंटक, अमरकंटक का एंशिएंट नेम है आम्रकूट, और यहाँ से नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है। सोहागपुर, सोहागपुर का एंशिएंट नेम है विराटपुरी या विषभपुरी। दमोह क्षेत्र को बोलते हैं तुंडीकर। शिवपुरी का पुराना नाम है नलपुर। निमाड़ एरिया को बोलते थे पुराने टाइम में अनूप। खजुराहो रीजन को बोलते थे चेंदी, और ग्वालियर एरिया को बोलते थे वत्स। तो इस तरह से आज हमने देखे एंशिएंट नेम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।